हरे कृष्णा, मैं विशाल पावा। आज मैं से बात करूंगा ईयरवॉर्म के बारे में। इसे म्यूजिकल ऑब्सेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे मन में कोई गाना स्टक हो जाता है और दिन भर चलता रहता है। जैसे कि कोई सॉन्ग हो, कोई गाना हो, उसकी तीन चार लाइनें जो होती है वो हमारे मन में स्टक हो जाती है और एक ही लूप में दिन भर चलती रहती है और ऐसा लगता है हमारे मन में कोई गाने बज रहे हो। ऐसे और भी एग्जाम्पल होते हैं कि कोई फिल्म में डायलॉग हो वो भी कभी कभी स्टक हो जाता है और दिन भर चलता रहता है। कोई भी साउंड हो, कोई भी ट्यून हो, कोई आवाज़ हो, कोई भी म्यूजिकल चीज़ हो, हमारे मन में स्टक हो जाती है और दिन भर चलती रहती है। और बताऊँ तो कभी कभार ये भी होता है कि टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसमें ऐड में जो म्यूज़िक होता है, कोई सॉन्ग होता है छोटा मोटा, अगर बहुत ज़्यादा कैची हो तो वो भी कभी कभार स्टक हो जाता है और दिन भर चलता रहता है। जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो ऐसे बहुत से केसेस आते हैं ईयरवॉर्म के। तो कुछ दिन पहले एक केस आया, उसका एग्जाम्पल देता हूँ कि उसके मन में, आपने सुना होगा रेलवे स्टेशन में कभी कभार जब ट्रेन आने वाली होती है ट्यून बजती है, लेडी ऑपरेटर की आवाज़ आती है जैसे कि टुन टुन टुन, यात्री कृपया ध्यान दे, गाड़ी नंबर 1106 इस प्लेटफॉर्म नंबर पे आने वाली है, ऐसे ही कुछ मतलब कि तो उसके मन में टुन 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 और लेडी ऑपरेटर की आवाज़ 2 महीने तक कंटिन्यूस चलती रही। ऐसे बहुत से एग्जांपल होते हैं। दरअसल क्या होता है कि हर इंसान ने अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस फील किया होता है कि कोई गाना स्टक हो जाता है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तो इतना चलता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, कोई गाना हमारे मन में सारा दिन चलता रहे, हफ्ता चलता रहे, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इससे भी ज़्यादा जब कोई गाना हमारे मन में चलता रहे तो तब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तब हमें सोल्यूशन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो गाने मन में चलते हैं हम खुद नहीं सोच रहे होते, अपने आप चल रहे होते हैं। और लोग क्या करते हैं, इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसे रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जितना इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना वो ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगता है। जैसे कि हम आग में पानी की जगह पेट्रोल डालो, जितना पेट्रोल डालेंगे उतनी वो आग भड़कने लगती है। अब मेन चीज़, इससे होने वाली प्रॉब्लम क्या क्या होती है। सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ जाती है। कोई अगर स्टूडेंट होता है, कोई पढ़ाई कर रहा होता है, जो एक चैप्टर 2 घंटे में समझ आ जाना चाहिए लेकिन क्या होता है उसको 7-8 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि साथ साथ गाने भी चल रहे होते हैं और पढ़ना भी पड़ता है, तो उसकी लर्निंग प्रोसेस जो होता है काफ़ी स्लो हो जाता है। वैसे कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, उस काम करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। और इसकी वजह से क्या होता है, इरिटेशन होने लगती है, सारा दिन चिड़चिड़ापन मन में चलता रहता है कुछ। उसके बाद आता है मूड स्विंग। हमारे मूड जो होते हैं अपने आप चेंज होते रहते हैं बिना किसी रीज़न के। बिना किसी रीज़न के हम बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, बिना किसी रीज़न के बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करेंगे। यहाँ तक कि गाने से भी रिलेटेड हमारे मूड चेंज होते रहते हैं। जैसे कि हमारा कोई गाना, कोई मनपसंद चल रहा हो, कोई हैप्पी वाला कोई सॉन्ग चल रहा हो तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे, कोई उदास, कोई सैड सॉन्ग चल रहा हो तो बहुत ज़्यादा उदास महसूस करेंगे। मतलब गाने की वजह से भी हमारे मूड काफ़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसके बाद आता है फ्रस्ट्रेशन। कभी कभी गाने इतने ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि हमें गुस्सा आने लगता है, और कभी वो गुस्सा किसी और पे भी उतर जाता है। फिर लोग सोचते हैं गुस्सा क्यों कर रहे हैं हमें, बिना किसी रीज़न के हमने कुछ ऐसा कहा भी नहीं। और उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि जो गुस्सा है वो उनके खुद के रीज़न से हो रहा है, जो उनके मन में गाने चल रहे हैं उनकी, उसकी वजह से काफ़ी उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। उसके बाद आता है डिप्रेशन। क्या होता है कि इंसान काफ़ी दुखी महसूस करता है, उसको लगता है 3-4 साल हो गए गाने मेरे मन में बंद ही नहीं हो रहे, मेरी लाइफ ऐसी चलती रहेगी, मैं काम कैसे करूँगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा उदास महसूस करने लगता है, काफ़ी डिप्रेशन होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद आता है एंजाइटी डिसऑर्डर। क्या होता है कि बिना मतलब की एंजाइटी स्टार्ट होने लगती है, और अगले दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो, कोई एग्जाम हो, कोई इंटरव्यू, किसी से बात करनी है, तो उसको एंजाइटी होने लगती है। अगर मैं काम ना कर पाया, उसमें गाने मन में चल पड़े तो मैं अपना काम अच्छे से कैसे कर पाऊँगा, इन सब बातों को लेकर भी काफ़ी एंजाइटी उसके मन में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आता है हेडेक। क्या होता है कि कभी गाने इतने ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं तो हमारा सिर दर्द होने लगता है, हैवीनेस होने लगती है, तो हेडेक की भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और रात की अगर नींद की बात करें तो वैसे रात को नींद आ जाती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि गाना हम सुन ले बहुत ज़्यादा कैची हो तो रात को नींद आना भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है, और फिर हम सारी रात जागते रहते हैं, मन में गाने चलते रहते, करवटें चेंज करते रहते, और रात को अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता तो अगले दिन काफ़ी इंसान इरिटेट महसूस करता है। और सबसे कॉमन चीज़ जो देखी गई है कि सॉन्ग फोबिया, लोग गाने सुनने से काफ़ी डरने लगते हैं, उनको लगता है गलती से कोई गाना हमने सुन लिया, बहुत ज़्यादा कैची निकला तो गाना मेरे मन में स्टार्ट हो जाएगा चलना, उसको बंद होने में कम से कम हफ्ता महीना लग जाता है, तो गाने सुनने से भी लोगों में काफ़ी एक फियर पैदा हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ईयरवॉर्म क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, उसका सोल्यूशन भी दूंगा जिससे आप नेचुरली ठीक हो सकते हो। एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि सर जब मुझे ईयरवॉर्म की प्रॉब्लम हुई थी तो जब मैंने अपने मॉम डैड को बताया, भाई बहनों को बताया, कजन्स को बताया, दोस्तों को बताया, तो कोई समझ नहीं पाया प्रॉब्लम होती क्या, और काफ़ी लोगों से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने काफ़ी मजाक भी उड़ाया, कहते तू पागल हो गया, तुझे ये अजीब सी कैसी बीमारी हो गई है, तू कोई दूसरे प्लैनेट से नहीं आया, तेरे मन में गाने चलते रहते, हंसते थे मेरे ऊपर, मजाक उड़ाते थे।
तो ये सारी चीज़ें काफ़ी नेगेटिव रिस्पांस मिला, तो इससे क्या होता है इंसान काफ़ी डीमोटिवेट हो जाता है और उसे लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ उसी को है और किसी को नहीं है, वही कुछ एबनॉर्मल उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, काफ़ी लोगों को होती है और ये ठीक हो सकती है अगर आप सोल्यूशन पे काम करें। अब ये प्रॉब्लम स्टार्ट कब होती है, जैसे आप सुबह उठते हो तो आपके मन में गाने चलने लगते हैं, तो कभी 2-3 घंटे चलते अपने आप बंद हो जाते हैं, या कभी सारा दिन चलते रहते हैं, या कभी बीच में दोपहर में या शाम को कोई ट्रिगर हो जाए तो आपके मन में 2-3 घंटे गाने चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। कभी आपके रात को, जैसे आपको पहले बताया, आप सोने लगे हो वैसे रात को नींद आ जाती है, लेकिन कभी कभार कोई कैची सॉन्ग आपके मन में स्टक हो जाए तो आपकी रात की नींद भी काफ़ी ख़राब हो जाती है, आप सो नहीं पाते। उस तरह प्रॉब्लम तब आती है कि आप रात को सो रहे हो चैन से आराम से और 3 या 4 बजे आपकी नींद खुल जाए, फिर उस समय आपको लगे कि आपके मन में गाने चल रहे हैं, तो उस वक्त सोना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप दिन मतलब कि रात भर करवटें चेंज करते रहते हो और काफ़ी मुश्किल होता है, उसके बाद नींद आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये सॉन्ग जो होते हैं, जो गाने होते हैं, तो सारे दिन कभी चलते रहते हैं, कभी हफ्ता चलते हैं, कभी महीना चलते हैं, कभी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं 10-10 साल 12 साल 13 साल, उससे भी ज़्यादा लोगों के मन में गाने चलते रहते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं कि उनके ऑन ऑफ चलता रहता है, जैसे कि 3 महीने गाने चले फिर 1-2 साल बिल्कुल गाने बंद हो गए, कभी कभार 1 साल गाने चले फिर 2-3 साल गाने बंद हो गए फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं, कभी 2 साल लगातार गाने चलते 5 साल के बिल्कुल बंद हो जाते फिर गाने स्टार्ट हो जाते, तो ऑन ऑफ भी चलता रहता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब एयरवॉर्म स्टार्ट होता है तो इंसान काफ़ी घबरा जाता है, गाने कहाँ से चल रहे हैं, बंद क्यों नहीं हो रहे हैं, मैं खुद सोच रहा हूँ या अपने आप चल रहे हैं। स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, फिर कुछ महीनों बाद इंसान थोड़ा यूज टू भी हो जाता है, परेशान तो तब भी होता है लेकिन थोड़ा परेशानी फिर कम होने लगती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो, काफ़ी आप फोकस करके उसमें पढ़ाई कर रहे हो काम कर रहे हो, तो उसमें कुछ टेम्प्रेरी वक्त के लिए गाने बंद भी हो जाते हैं। जब आप काम छोड़ देते हो आपका फोकस हट जाता है, फिर आपके मन में गाने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि जब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा हो तो एयरवॉर्म प्रॉब्लम जो होती है काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, या कोई आपको हेल्थ इशू हो, कोई भी बीमारी हो, पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी आपकी एयरवॉर्म की प्रॉब्लम काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, ट्रिगर कर जाती है। और जब इंसान बहुत ज़्यादा खाली बैठा हो काफ़ी दिनों से तो एयरवॉर्म और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और इसमें यह भी प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी एयरवॉर्म अपने आप प्रॉब्लम ठीक हो भी जाती है 1-2 महीने 1-2 साल बाद, लेकिन उसमें क्या होता है कि इंसान सोचता है कि गाने कहाँ चले गए मेरे मन में, ये बंद कैसे हो गए, मैंने ऐसा क्या किया, इस वजह से गाने बंद तो नहीं है। उसको सोच सोच के दोबारा इनवाइट कर लेता है और फिर वो गाने स्टार्ट हो जाते हैं दोबारा बजना, तो इस चक्कर में इंसान वो लूप में फंसा ही रहता है, ठीक हो भी जाता है लेकिन उसको याद कर करके दोबारा से वो प्रॉब्लम रीस्टार्ट हो जाती है। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि हमारे मन में कोई टेप रिकॉर्डर ऑन करके छोड़ दिया, उसका ऑफ बटन नहीं मिल रहा और दिन भर ऐसा लगता है कि बस गाने चलते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये होता है मेंटल वीकनेस के कारण। जब इंसान का माइंड काफ़ी वीक हो जाए, जैसे कि बहुत ज़्यादा किसी को स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो, एनजाइटी प्रॉब्लम हो, और ज़्यादातर देखा गया उनको प्रॉब्लम जल्दी होती है इनको ओसीडी की प्रॉब्लम होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, या बहुत ज़्यादा मैलाडप्टिव डे ड्रीमिंग, बहुत ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, अनरियल वर्ल्ड में रहते हैं, उनको बहुत जल्दी प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होती है जिनको ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा चिंता करते हो पास्ट की, फ्यूचर की, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो उनको ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। होता क्या है कि ये प्रॉब्लम सब कॉन्शियस माइंड की क्रिएट की हुई होती है, जब सब कॉन्शियस माइंड आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाए तभी आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें आपने क्या करना है, अपने कॉन्शियस माइंड को इंक्रीज करना है, जागरूक अवस्था को इंक्रीज करना है। जैसे जैसे कॉन्शियस माइंड आपका इंक्रीज होगा, सब कॉन्शियस माइंड का प्रभाव आप पे कम होने लगेगा और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है, वो है क्रिया। क्रिया में आपके 3 स्टेप है, इसे पूरा अच्छे से ध्यान से समझिए। इसे आपने करना कहाँ पर, आप कहीं भी कर सकते हैं, बेड पर भी कर सकते हैं, ज़मीन पे योगा मैट लगा कर भी कर सकते हैं, सोफे पे, चेयर पे, जहाँ भी आप कंफर्टेबल आराम से बैठ सकें। और एक बात का ध्यान रखना कि बिल्कुल शांतिपूर्वक जगह पर करना है, आसपास कोई ज़्यादा लोग ना हो। एक और चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप क्रिया स्टार्ट करें तो आपकी आँखें बंद होनी चाहिए, जब तक आपकी पूरी क्रिया समाप्त ना हो जाए आँखें आपने एक बार भी बिल्कुल नहीं खोलनी। अब पहला स्टेप ध्यान से समझिए, इसमें क्या करना है, अपने कानों को हथेली से इस तरह बंद करना है, 1, 2, 3। ध्यान रख कस के बंद नहीं करना, इतनी दबाना नहीं, आराम से बिल्कुल बंद करें खोलें, बंद करें खोलें। इसे आपने करना है 20 टाइम्स 20 बार, 20 के आपने 3 सेट करने हैं, टोटल 60 टाइम्स। अब सेकंड स्टेप क्या है, इसमें आपने ब्रीदिंग करना है, ध्यान से समझिए, आपने नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है, लेकिन इसमें एक थोड़ा डिफरेंट तरीका है। जब आप मुंह से सांस छोड़ते हैं फूंक मार के छोड़ना है, लेकिन रुक रुक के 3 बार रुक रुक के सांस को बाहर छोड़ना, इस तरीके से। तो आपने कैसे करना है, नाक से सांस लिया और मुंह से छोड़ा। काफी लोग गलती ये भी करते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, सांस लिया ऐसे नहीं करना, एक ही बार सांस लेके और उसी एक्सहेल को 3 बार रुक रुक के छोड़ना है।
और एक और बात का ध्यान रखना कि जब आप नाक से सांस लेते हैं तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, वो मैं करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप करेंगे तो आराम से नाक से सांस लें बिना किसी आवाज़ के, और फूंक मारते हुए धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ना, ऐसे कस के नहीं छोड़ना, ये गलत तरीका, आराम आराम से छोड़ें, एक्सहेल करते हुए आवाज़ आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्रीदिंग है काफ़ी हाई इंटेंसिटी ब्रीदिंग है, तो इसमें करते वक्त थोड़ा आपका सिर भारी हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, 5-6 मिनट बाद अपने आप बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाएगा, और शायद जब 10-15 दिन आप लगातार करेंगे तो उसके बाद आपको शायद सिर दर्द होना भी बिल्कुल बंद हो जाए, तो स्टार्टिंग में हो सकता है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपने आप नॉर्मल भी हो जाएगा। तो इसे आपने कितनी बार करना है, इसे आपने करना है 20 के 5 सेट्स, 20 के 5 सेट, टोटल 100 बार, ऐसे काउंटिंग करनी है, हाथों में काउंट करना है, मन में काउंट नहीं करना, क्योंकि मन में कभी इंसान काउंटिंग भूल जाता है, ऐसे इनहेल किया, ये हुआ 1, सेकंड इनहेल, ये हुआ 2, इनहेल, ये हुआ 3, तो इसे आपने 20 के 5 सेट करने हैं, टोटल 100 बार। 20 करने के बाद आराम से रेस्ट भी ले लें 15-20 सेकंड का, फिर उसके बाद 20 करें, ऐसे बीच में रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने लेफ्ट से सांस लेना है, ऐसे पहले राइट वाले अंगूठे से नाक को बंद करना है, राइट वाले अंगूठे से राइट वाले नाक को बंद करना है, और लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से ही एक्सहेल। एक बात का ध्यान रखें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने लेफ्ट नाक से ही सांस अंदर लेना है और लेफ्ट नाक से ही सांस को बाहर छोड़ना है, इस तरीके से। एक बात का ध्यान रखें, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, कस के नहीं लेना, ये बिल्कुल गलत तरीका है, आपने आराम से 3 से 4 सेकंड में सांस अंदर लेना है, 3 से 4 सेकंड में सांस बाहर छोड़ना है, सांस लेने की और छोड़ने की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, और इसे मन में काउंट नहीं करना, उंगलियों में काउंट करना है, ऐसे 1 2, इसे आपने करना है टोटल 40 टाइम्स, 40 बार। उसके बाद रेस्ट करें आराम से 15-20 सेकंड, फिर आपने लेफ्ट वाले अंगूठे से लेफ्ट वाले नाक को बंद करना है और राइट वाले नाक से इनहेल और एक्सहेल करना है, राइट वाले नाक से इनहेल, राइट वाली नाक से ही एक्सहेल, दाई नासिका से ही सांस अंदर लेना है और दाई नासिका से ही सांस बाहर लेना है, कस के नहीं लेना, आराम से 3 से 4 सेकंड में सांस अंदर, 3 से 4 सेकंड में सांस बाहर, बिना किसी आवाज़ के, और आपने उंगलियों में 40 बार इसे काउंट करना है। उसके बाद आपकी क्रिया बिल्कुल समाप्त हो गई, लेकिन उसके बाद भी आंखें आपने नहीं खोलनी, 3 से 4 मिनट के लिए आराम से आप आंखें बंद करके बैठे रहें, और बहुत रिलैक्स फील होगा आपका मन, ऐसे लगेगा बहुत हल्का महसूस हो गया। अगर आपको बैठने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप आराम से शवासन में भी लेट सकते हैं, शवासन में आराम से लेट जाएं आंखें बंद करके 4 से 5 मिनट बाद, उसके बाद अपने आप उठ के अपना काम कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि पूरा प्रोसेस मैं दोबारा से रिपीट करूँ, शायद वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी को गलती ना हो, मैं पूरा दोबारा से आपको समझाना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो अब आराम से शांतिपूर्वक जगह पे बैठ जाएं, आपने पहला स्टेप करना है कानों को इस तरह बंद करना है, 1 2 3 20 टाइम्स, फिर आपने हाथ नीचे कर लेने हैं, 10-15 सेकंड रेस्ट, फिर दोबारा से 1 2 3 20 टाइम्स, 20 बार, फिर आराम से रेस्ट करना है 10-15 सेकंड, फिर तीसरा सेट 1 2 3 4, 20 बार आपने काउंट करना है, फिर रेस्ट आराम से, चाहे फिर 30-40 सेकंड रेस्ट ले ले, चाहे 1 मिनट भी ले सकते हैं। फिर सेकंड स्टेप आपने करना है ब्रीदिंग, नाक से सांस लेना, मुंह से रुक रुक के 3 बार सांसों को बाहर छोड़ना है, ऐसे 1 2 3, ऐसे आपने 20 बार करना है, उसके बाद रेस्ट करें 30-40 सेकंड, फिर सेकंड सेट करेंगे, फिर से नाक से सांस अंदर 1 2, 20 के आपने 5 सेट करने हैं, टोटल 100 बार आपने इसे करना है। फिर आपने थर्ड स्टेप कौन सा करना है, उसके बाद आपने राइट वाली नाक को बंद करना है अंगूठे से, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, उंगलियों में काउंट करना है, कितनी बार, 40 बार, 40 टाइम्स, उसके बाद रेस्ट करें आराम से 30-40 सेकंड, और उसके बाद आपने लेफ्ट वाले अंगूठे से लेफ्ट वाली नाक को बंद करना है और राइट वाली नाक से सांस अंदर बाहर करना है, कितनी बार, 40 बार आपने करना है। फिर आपकी पूरी क्रिया समाप्त हो गई, और फिर आराम से बैठे रहे 4-5 मिनट बाद, 4-5 मिनट के लिए आंखें बंद करके, या आप आराम से शवासन में लेट के भी आराम कर सकते हैं आंखें बंद करके, उसके बाद 5 मिनट बाद उठ के अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं।
अब कुछ ज़रूरी बात है, टाइमिंग। इसे आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर आदि रात, जब भी आपको टाइम मिले। बस ध्यान रखें खाना खाने के आपने 1.5 घंटे बात करना है। एक और बात का ध्यान रखना है कि जब आप क्रिया अपने कमरे में करते हैं तो उसमें कमरे में कोई भी पंखा कूलर इसी नहीं चलाना, चाहे जितनी भी गर्मी क्यों ना लगे, लेकिन आपने सब कुछ बंद करके करना है। अगर सर्दियाँ भी है तो हीटर बिल्कुल नहीं चलाना, बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में करना है। और इसके अलावा आप बाहर पार्क में या बालकनी में बैठ के भी कर सकते हैं। अब इसे कितने दिन करना है? मिनिमम आपने 90 डेज, 3 महीने तक तो इसे करना ही करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, 5-6 सालों से, 10 सालों से ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसे मैं कहूँगा 6 महीने कंटिन्यूस करें। एक बात का इसमें बहुत ध्यान रखना है, अगर आप 3 महीने करते हैं 6 महीने, तो एक दिन भी बीच में स्किप नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन भी आपका स्किप हो गया तो फर्स्ट डे से आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान आपने बहुत ज़रूरी रखना है। तो टोटल जो आपने 3 से 6 महीने तक ये पूरी क्रिया आपने डेली करनी है, और दिन में हो सके एक बार तो ज़रूर करें, और मैं कहूँगा 2 बार करें तो आपको जल्दी इसका असर पड़ेगा। 6 महीने बाद भी क्या करना है कि उसके बाद क्रिया बंद नहीं करनी, हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार करनी। वो इसलिए कोई प्रॉब्लम अगर ठीक हो जाती है तो दोबारा भी हो सकती है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम, आपको डायबिटीज़ भी एक बार ठीक हो जाए तो दोबारा भी डायबिटीज़ हो सकती है। आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाए, एक बार ठीक हो जाए दोबारा सर्वाइकल भी हो सकता है। वैसे ये भी है, अगर एक बार ठीक हो जाए दोबारा भी शायद आपको हो सकती है। तो बिल्कुल आप सेफ रहें तो 6 महीने बाद भी, उसके बाद भी, मतलब कि हफ्ते में आप 1 या 2 बार क्रिया को करते रहें, फिर आपको दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होगी एयर बॉम वाली। अब एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा मत समझिएगा कि आपने क्रिया की उसी समय गाने बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको शायद कभी 10 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी, महीना भी। तो आप ये मत सोचिए गाने बंद नहीं हो रही फिर भी मैं कर रहा हूँ, कम से कम महीना तो आपको लगेगा इसका रिजल्ट आने में। लेकिन काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है कि आपने ईयर क्रिया करना स्टार्ट की, कुछ हफ्ते भर में रिजल्ट आ जाता है, मतलब 10 दिन भी लगते हैं, किसी 20 दिन भी, सबका अपना अपना होता है। तो शायद महीना तो आपको लगेगा ही, लेकिन फिर भी आपने अगर ठीक हो भी जाते तब भी आपने 3 महीने कंटिन्यूस करना ही करना है, पूरा जड़ से इसे ठीक करने के लिए। कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ये क्रिया स्टार्ट करेंगे 90 डेज या 6 मंथ के लिए, तो उस दौरान आपने कोई भी अल्कोहल सिगरेट नहीं लेनी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और उसके अलावा कोई नॉनवेज भी आपने नहीं लेना। और अगर रिज़ल्ट आप बहुत जल्दी चाहते हैं तो आप 3 से 6 महीने के लिए आप बिल्कुल सेक्सुअल एक्टिविटी, कोई भी पॉर्न देखना सब बिल्कुल बंद कर देंगे, तो और भी जल्दी आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अब एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आजकल जो लोग वीडियो देखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी पढ़ते हैं, अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है ईयरवॉर्म वाली, तो अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपना एक्सपीरियंस लिखिए, कितने सालों से है, कौन सा गाना आपके मन में चलता रहता है, जिससे कि ये अवेयरनेस के लिए मैं कर रहा हूँ कि जब लोग इसे पढ़ेंगे तो उनको लगना चाहिए कि प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, ये एग्जिस्ट करती है और काफ़ी लोगों को होती है, और उसका सोल्यूशन में काम करते हो ये ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, अगर आप क्रिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई भी इससे रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।